हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, ये वैकेंसी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई है, बेल्ट्रॉन, ठीक ना। बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, मतलब सेमी गवर्नमेंट, एक तरफ से मान लीजिए सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन है क्या ये पहले समझ लीजिए, ठीक ना। तो बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम लेती है, एम्प्लॉय देती है, गवर्नमेंट जो प्योर गवर्नमेंट है वो लोग को देती है। जैसे मान लीजिए बीएचपीसीएल को मान लीजिए आपको डीओ की डीओ चाहिए, ठीक है, मतलब डाटा एंट्री, तो कॉन्टैक्ट पे या कॉन्टैक्ट पे सुविधा पे, ठीक ना, तो वो बेल्ट्रॉन करवाती है। ये क्लियर कर लीजिए, ये एक एजेंसी है जो एग्ज़ाम दिलवाती है या वैकेंसी को लेती है, ठीक ना। ये इसका बेल्ट्रॉन का ये काम है। तो बेल्ट्रॉन देख लीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना, ठीक है। आप बात कर लेते एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, ठीक ना, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी आपको 10+2 पास होना चाहिए, बस क्लियर, एक वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ठीक ना। तो एक कोर्स में आपका क्या होना चाहिए, एक कंप्यूटर में अगर एक साल का कोई भी डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर के किए हैं तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी और इंग्लिश में आपका ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग का बस। और आगे देख लेते हैं, जिसमें आपको देखिए 26 तारीख तक डेट है इसका भरने का, डेट बढ़ाया गया है, तो 26/4/2019 तक डेट है इसका। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए CPT 1 आधारित एक ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। ये मेंशन नहीं किया गया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जब एडमिट कार्ड आएगा आप लोग का, तो उस टाइम आप लोग को पता चल जाएगा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, एक अप्रोक्स आदमी बता सकता है कि 100 क्वेश्चन हो सकता है, 100 क्वेश्चन है जिसमें से 60 नंबर का कंप्यूटर का रहेगा और 40 नंबर का मैथ, रीजनिंग, एप्लीट्यूड, ये सब हो सकता है, ठीक ना। तो ये मतलब जब आप लोग का उस टाइम आप आगे जब फार्म भरा जाएगा तो हो सकता है आपका नोटिफिकेशन नया जारी किया जाए कि क्या क्या एग्ज़ाम होगा या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि पैनल कैसे तैयार किया जाएगा। तो मान लीजिए देखिए, सेवा प्रदान एजेंसी रजिस्टर तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थी का पैनल आधारित संधारित करेगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए वैकेंसी में अभी तक लगभग आपको 1,00,000+ फार्म भरा चुका है, फिलअप हो चुका है, ठीक है। तो मान लीजिए बेल्ट्रॉन एक पैनल तैयार करेगा जिसमें मान लीजिए 20,000-30,000 बच्चों को रखेगा पैनल में, जो हाई ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो उसके हिसाब से एक पैनल तैयार करेगा जिसमें इसमें तो डीओ के जिसमें जिसका जिसका हो जाएगा वो तो ले देगा, लेकिन बाकी लोग का जिसका नहीं होगा तो वो पैनल में उनका नाम रहेगा, ठीक ना। उस पैनल में कभी भी कोई भी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट का कोई भी आता है तो उसमें वो डीओ मतलब डाटा एंट्री में उनको लेगा, उनको बुलाएगा, ठीक है। इसी पे आपका लिखा हुआ है कि ऐसे स्वीकृत एग्रीमेंट कराना होगा, ठीक ना। लिखा हुआ सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों की एजेंसी के परस्पर से एग्रीमेंट करवाना होगा, तो ये क्लियर किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की, बात कर लेते हैं कितना लग रहा है। तो 1,000 रुपया पेमेंट लग रहा है आपको ये ऑनलाइन फॉर्म करवाने में। 50 रुपया आपको चालान करवाना होगा जाके बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक ना। अकाउंट नंबर दे दिया गया है, आप लोग वहाँ जाके चालान कटवाइएगा। चालान में आपको एक रिसीपिंग मिलेगा, उसमें ट्रांजेक्शन ID दिया, डेट जो इशू हुआ जिस दिन आप करवाएंगे वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपका फार्म जब भरिएगा लास्ट में आपको मांगेगा वो चालान भरने का, ठीक ना। तो ऑनलाइन उसमें आप लिख दीजिएगा ट्रांजेक्शन ID, बैंक नेम लिख दीजिएगा, कौन तारीख को की हैं, ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा चालान का ये काम, और चालान का जो कॉपी आपका रिसीविंग मिलेगा वो रख लीजिएगा। फ्यूचर में जब आप एडमिट का एग्ज़ाम दे लीजिएगा, जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको ले वो जाना होगा, ठीक ना। अब बाकी कोई भी प्रॉब्लम आपको होता है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया, कोई भी प्रॉब्लम है वो आप आराम से पूछिए, वहाँ बताया जाएगा आपको, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, अगर कोई भी सूचना मिलता है तो हम आपको वीडियो बना के डाल देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उसका आंसर देने का हम पूरा कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकेंड बात यह कि देखिए LRC का जितना भी पोस्ट था उसका हम कटअप बनाए एक्सपेक्टेड, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। BTC सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भी कटअप बना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आई बटन में भी चल जाइएगा, वहाँ से आप लोग आराम से देख लीजिएगा। लेफ्ट साइड में आई बटन आता है, वहाँ पर लास्ट वीडियो में आएगा,
तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल्ट्रॉन का कोई भी सूचना मिलता है या बिहार LRC का कोई भी सूचना मिलता है तो हम आपको सूचना में बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।